तो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं आज के नए ब्लॉग पे। तो आज की शुरुआत हो रही है सुबह 6 बजे से, और 6 बजे से आज मैंने क्यों स्टार्ट किया बताऊँ? मौसम दिखाने के लिए तो ये देखिए, हाँ ठंडा, पूरा कोहरा ही कोहरा लग गया है। जिस समय मैं उठी थी ना, उस समय पूरा आसमान साफ था एकदम, और अभी अभी मौसम पूरा बंद हो गया है। तो गाइस ये देखिए, सुबह सुबह 6 बजे का मौसम है ये, और मेरे फ़ोन में तो थोड़ा उजाला आ रहा है पर इतना अंधेरा हो गया ना, ये देखिए कोहरा कैसे आ रहा है। सुबह सुबह आग भी जला लिया, पानी भी रख लिया इसमें, तो थोड़ी देर हाथ सेक लेती हूँ, फिर बनानी है मुझे गर्मा गर्म चाय। सानू को दूध दे दिया है गर्म करके, वो भी मेरे साथ ही उठ गई थी पीछे। तो पहाड़ी गीजर तो हमारा जला ही है, नॉन स्टॉप जलता रहेगा ये बस रात को खाली होता है, नॉन स्टॉप जलता रहता है। तो अब चलते हैं किचन की ओर। ये देखिए मौसम पूरा खल जाड़ो खा, मैंने रात तक उड़ बेरी। तो फिर से बारिश आ गई है और हम जा रहे हैं अभी पोलियो पिलाने सानू को, और काफ़ी बारिश आ गई, वो जा रही है अपने पापा की गोदी। क्या कर रही है बारिश में? फोर्टी आ रही है। हाँ मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपको मिल रही हूँ सीधे दूसरे दिन, और कल का मैं नहीं बना पाई क्योंकि बहुत मौसम ख़राब हुआ था। कल था पोलियो बच्चों का, तो मैं पोलियो होलियो पिलाने गई थी और वहाँ का भी ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि हम इतना भीग गए थे और इतनी ठंड लग रही थी और इतनी भयंकर वाली बारिश आ रही थी ना, तो मैंने अपना फ़ोन भी नहीं निकाला। तो अभी तो आई हूँ मैं लकड़ियाँ लेने, लकड़ियाँ फाड़ी थी तो इनको घर ले जाती हूँ, थोड़ा सूखूंगी तो अच्छा होगा। और मौसम फिर से ख़राब हो गया, आप देख सकते हो पूरा मौसम ख़राब, बादल ही बादल लगे हैं। तो आज बहुत सारा काम हो गया, कपड़े भी इतने सारे धोने हो गए, और सानू तो कल नहला लिया था सानू को, तो आज नहीं नहलाऊंगी। और कपड़े, आधे कपड़े धो दिए हैं, आधे कपड़े डाल रखे हैं, बहुत काम है। अभी खाना भी नहीं खाया, खाना बन चुका है, तो अभी मैं लकड़ियाँ ले जाती हूँ घर, फिर मिलती हूँ आपको। तो गाइस बजे हैं दिन के 12 और मैं जा रही हूँ अभी पुंगा छीना। तो पतिदेव तो चले गए हैं गाड़ी, क्योंकि यहाँ से हमारे घर से रोड नहीं है ना, ऐसी छोटी सी रोड है, तो मैं, मेरे को डर लगता है, मैं नहीं जाती हूँ। वो चले गए हैं रोड में और वहाँ से खूब गले आ रहे हैं मेरे को। तो हम जा रहे हैं किसी काम से, आपको भी दिखा दूँगी। ओहो मेरी लिपस्टिक बहुत ख़राब हो गई, और आज मैंने पहली बार बिना क्रीम पाउडर के आ रही हूँ, सिर्फ मैंने लगाया थोड़ी सी लिपस्टिक। तो मैं आपको मिल दी हूँ रास्ते में। तो दोस्तों रोड में आना बेकार हुआ, अभी तक पहुँची नहीं है जनाब, तो अभी तो मैं निकलती हूँ और आज का व्यू दिखाऊँ मैं आपको। तो ये देखिए,
इतना अच्छा व्यू आ रहा है। तो गाइज हम लोग रास्ते में थोड़ा उतर गए थे, तो मैंने सोचा एक खूबसूरत सा गांव दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। यह है रेण बिछुल, तो देखिए कितना सुंदर सा गांव है और यहाँ की खेती देखिए, ये देखिए। और यह है मोर पंख का पेड़, हम बचपन में ना इसको मोर पंख का पेड़ कहते थे, और पास होने के लिए इस वाले पेड़ को क्या कहते हैं कापी, मतलब इसकी जो टहनी होती है कापियों के बीच रखा करते थे, तो कहते थे इसकी अगर टहनी कापियों के बीच रखे तो हम पास हो जाएंगे। और ये देखिए गांव, वाह। और यहाँ पे रुके हैं पतिदेव, और मौसम पूरा खतरनाक हो गया है फिर से, सरसों की खेती भी हो गई।